हेलो, आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई के लिए बोर्ड वाले के लिए क्विक रिवीजन सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स का, और उसमें हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं, तो ध्यान से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और अगर आप इस रिवीजन कोर्सेज को देखते हैं तो अल्टीमेटली सारा क्वेश्चंस वगैरह आप सीबीएसई का कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए एसिड की बातें करते हैं। तो एसिड क्या होता है? एसिड वो चीज होता है जिसको पानी में डिजोल्व करने पे, वाटर पे डिजोल्व करने पे क्या देता है? H प्लस देता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एसिड व्हेन वी डिजोल्व इन वाटर गिव H प्लस आयन, ठीक है ना। और ये वाटर H प्लस आयन में ये एक चीज जान लीजिए, ये जो कंपाउंड, ये जो चीज होता है आयन, ये अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होने के कारण ये आपको क्या होता है, फिर से वाटर के साथ मिलके क्या बना लेता है? H3O प्लस बना लेता है। और इस H3O प्लस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ध्यान रखिएगा, चीजें मैं एकदम सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। और देखिए, पहली बात हम लोग कर रहे हैं एसिड्स क्या होता है। तो एसिड्स एच प्लस देता है, ओनली पॉजिटिव चार्ज आयंस, यानी मैं कह सकता हूँ ओनली पॉजिटिव चार्ज आयंस। और कौन सा चार्ज आयंस आपको अभी मैंने बताया, और H प्लस आयंस दिया, ओनली पॉजिटिव चार्ज आयंस। और कौन सा? H प्लस, ओनली पॉजिटिव चार्ज आयंस। और इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर में सिर्फ ये चीजें देता है। चीजें आपको एकदम सिंपल रखने हैं। तो अकॉर्डिंग टू आरहेनियस, वो चीजें जो H प्लस दे दे उसको हम लोगों ने एसिड बोला। और ये जो H प्लस है वो क्या होता है? काफी अनस्टेबल होता है, तो वाटर से कंबाइन करके H3O प्लस बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो आगे की तरफ एसिड्स को हम लोगों ने देखा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा चीजों को एकदम सिंपल रखते हुए। देखिए, जैसे मैं मान लेता हूँ HCl की बात कर लेता हूँ, HCl को वाटर में डालता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इफ वी डिजोल्व इन वाटर H प्लस और Cl माइनस एक्वस में टूटा, ठीक है ना। When we dissolve in water, तो वाटर में डालने पे ये क्या हुआ? H प्लस और Cl माइनस में टूटा। ये H प्लस आपको क्या हुआ वाटर के साथ? देखिए, अनस्टेबल कंपाउंड है तो स्टेबल तो रहना चाहेगा हर एक चीज, तो H3O प्लस बनाया। और इसी H3O प्लस को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? हाइड्रोनियम। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे चीजों को, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो एक और कॉन्सेप्ट है आपको, ये तो किसके अनुसार था? दिस इज डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आरहेनियस। आरहेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड के बारे में ये कंसेप्ट हमको दिया, ठीक है। अब एक और चीज जान जाइए, एक हमारे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थे, उन्होंने बोला, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी एक साइंटिस्ट है, ब्रॉन्स्टेड के अनुसार एसिड्स क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार एसिड क्या होता है? एसिड आपका वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन डोनर होता है, ठीक है ना। एसिड्स आर सब्सटेंस क्या होता है? प्रोटॉन डोनर। ये भी आप ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन डोनर को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और लुईस कंसेप्ट के अनुसार, एक और जब मैं जब बोल रहा हूँ तो साथ साथ मैं देखते चल रहा हूँ, लुईस कंसेप्ट के अनुसार आपको ये ध्यान रखना है, लुईस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिया था, एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चीजों को, एसिड को हमने डिफाइन भी अच्छे से कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड आप जानते होंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो जैसे वो आपके, जैसे मैं ऑर्गेनिक एसिड की बात करूं, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक एसिड्स की बात मैं कर रहा हूं, ठीक। तो ऑर्गेनिक एसिड में जैसे मैंने मान ली है CH3COOH, ठीक है ना, CH3COOH एक आपका क्या होगा? दिस वन इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड जो होता है आपको पता भी होगा कि कहां से इसका सोर्स क्या है, विनेगर से, ठीक है ना। इसी तरह से HCOOH, HCOOH इसका सोर्स क्या है? एंटेस्टिंग, चींटी के काटने से, ठीक है ना। HCOOH को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और ये जो फॉर्मिक एसिड है किस चीज से आया है? ये आया है, देखिए
आपको फॉर्मिक जो वर्ड है वो आपको लैटिन में चीटी को हम लोग फॉर्मिका बोलते हैं और उसी से लिया गया है फॉर्मिका। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, नोट देकर ये लिख लीजिएगा, नोट देकर, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, वीक एसिड्स। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक का कहना क्या, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, और इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड जो होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल्स एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए, एक्सेप्ट इसमें एक कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड आपको फॉर्मूला पता भी होगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। ये आपका कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, वीक एसिड है इनऑर्गेनिक एसिड होने के बावजूद, इनऑर्गेनिक एसिड होने के बाद भी कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। तो चलिए अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी को एसिडिक मैंने बोला कि आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कोई वीक एसिड मैंने बोला, तो ये क्या होता है। तो ध्यान रखने वाला बात है कि जैसे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, अगर मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड की बात, तो इसका मतलब ये है पूरी तरीके से फुल्ली आयनाइज, यानी ये पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है, फुल्ली आयनाइज हो जाता है। फुल्ली आयनाइज कहने का मतलब क्या है, लगभग लगभग इसका मतलब 100% आयनाइज हो जाता है, 100% आयनाइज होता है, यानी पूरी तरीके से टूट के H+ देता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने होंगे, अगर मान लीजिए मैं कोई भी एक ऑर्गेनिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड, CH3 एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूँ, और वीक एसिड की बात करूँ, वीक एसिड की मैं बात करूँ, तो वीक एसिड जो होगा आपका, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने जैसे HCl लिया, HCl मान लीजिए 100 है यूनिट, तो ये पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाएगा H+ में, यानी पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाएगा H+ और Cl-, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज, फुल्ली या कंप्लीटली आयोनाइज, सब चीजों को आप एकदम सिंपल रख रहे हैं, फुल्ली या कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, ठीक। और अगर मैं बोलूं वीक एसिड का, तो ये क्या होता है, नॉट फुल्ली आयोनाइज, नॉट फुल्ली आयोनाइज। तो नॉट फुल्ली आयोनाइज मतलब पार्शियली आयोनाइज हुआ, पार्शियली आयोनाइज हुआ, ठीक है ना, पार्शियली आयोनाइज होता है ये चीज, ठीक है ना। ओनली सम आयंस विल फर्निश इनटू एसिड, मैं बोल सकता हूं ओनली सम आयंस विल फर्निश इनटू एच प्लस, कुछ आयन ही फर्निश होते हैं एच प्लस में, ओनली सम आयंस विल फर्निश इनटू एच, ठीक है ना। तो जैसे वीक एसिड हुआ, लेट अस सपोज दैट मैंने बोला CH3COOH को लिया, ठीक है ना, CH3COOH मैंने वीक एसिड लिया, ठीक है ना, CH3COOH ये क्या है अपना वीक एसिड है, और ये वीक एसिड क्या होगा, टूटेगा H+ और ध्यान दीजिए COO- में टूटता है, H+ और COO- में टूटता है। तो वीक एसिड का सॉल्यूशन मैंने बोला, अब ध्यान दीजिएगा नॉट फुली आयनाइज होता है ये। अब देखो मैं बोलना चाह रहा हूं, जो भी वीक एसिड के सॉल्यूशन होते हैं, वीक एसिड के सॉल्यूशन होते हैं, यानी अब देखो मैंने 100% लिया यूनिट इसके, तो क्या होगा, पूरी तरीके से आना ही नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल CH3COOH के, यानी मान लीजिए 10 ही आना ही हुआ, या 20 ही आना ही हुआ, या 30 ही आना ही हुआ, 100% 20-30 आना ही हुआ, पूरी तरीके से आना ही नहीं हुआ, ठीक है ना। यानी वीक एसिड के सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंटेन करते हैं, यानी 30 रहा तो बाकी बचा क्या रह गया, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रह गया CH3COOH के। तो ये यानी कहने का मतलब है वीक एसिड के सॉल्यूशन क्या होते हैं, आयंस भी रहते हैं, आयंस यानी जो आयनाइज हो गया वो आयंस में रह गया, साथ में क्या रखा, मॉलिक्यूल भी रखा, आयन और मॉलिक्यूल भी रखा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जैसे सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड का दे दे, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है,
सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड विल कंटेन, ऑप्शन में तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो सकता है, विल कंटेन आयंस एंड मॉलिक्यूल बोथ, आपको आयंस एंड मॉलिक्यूल बोथ, यानी उसमें दोनों चीज प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड और दे देगा आपका क्या हो सकता है आयंस, वो सारे चीजें दे सकते हैं। क्यों ऐसा होगा आयंस एंड मॉलिक्यूल दोनों क्यों होगा, बिकॉज इट इज ए, व्हाई ऐसा होगा, बिकॉज इट इज अ वीक एसिड, एक ऐसा होता है वीक एसिड होने के कारण, वीक एसिड होने के कारण इट इज आयनाइज्ड, इट इज आयनाइज्ड बट नॉट फुली, इट इज आयनाइज्ड, इट इज आयनाइज्ड पार्शियली, मैं बोल दिया पूरी तरीके से आयनाइज्ड नहीं हो पाता है, इसीलिए कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल इसके पास रह जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें थे, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और आपको मैंने वीक एसिड भी बताया, ठीक है ना। और एक जो भी चीजें होती है, जैसे आपको मैंने ऑर्गेनिक एसिड बताया, इसी तरह से मैंने आपको मिनरल एसिड भी बोला, मिनरल एसिड, मिनरल्स एसिड जो होता है, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो मिनरल एसिड्स में जैसे जैसे आपको मैं बताऊं, HCl, HNO3, H2SO4, HCl को हम लोग क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका एक और नाम है किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ विथड्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना, किंग ऑफ केमिकल, ऑयल ऑफ विथड्रॉल, बैटरी एसिड भी इसको बोला जाता है क्योंकि बैटरी में यूज किया जाता है। जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलते जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा आपको H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना, ये वीक एसिड होता है, बाकी सारे आपके लिए होते हैं। इसी तरह से फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये सब आपको जानना है। मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मिनरल एसिड्स आर आयनाइज्ड, और तो बाबू मिनरल एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये पूरी तरीके से क्या हो सकते हैं, मिनरल एसिड्स आर आयनाइज्ड कंप्लीटली। मिनरल एसिड हमने बता दिया कि पूरी तरीके से आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड मिनरल एसिड पूरी तरीके से आयनाइज्ड हो जाते हैं, मिनरल्स एसिड्स आयोनाइज्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से आयोनाइज्ड कंप्लीटली, 100% का 100% नहीं, क्या हो जाएगा आयोनाइज्ड हो जाएगा, और आयोनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं बोल सकता हूँ, जैसे वीक एसिड में सॉल्यूशन में आयंस एंड मॉलिक्यूल दोनों रहते हैं, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में सिर्फ क्या रहेगा आयंस ओनली, क्या कंटेन करेगा आयंस ओनली, और वीक एसिड में आयंस एंड मॉलिक्यूल दोनों कंटेन करेगा, ठीक है ना। और अब हम लोगों की बातें करते हैं, ये तो चीजें हो गई एसिड के बारे में, जैसे मैंने बताया एसिड में एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, एसिड में टर्म डिफाइन करते हैं एसिड के केस में ही बेसिसिटी, ठीक है ना। और व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी, तो बेसिसिटी कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ H प्लस आयन कैटोने, नंबर कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेट कर रहा है कोई एसिड, डोनेट एन एसिड ऑफ जितने H प्लस आयन डोनेट करेगा वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, ठीक है ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कितना डोनेट कर रहा है H प्लस आयन, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं HCl, HCl क्या हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस, वाटर में डाला HCl को, H प्लस एक्वस और प्लस Cl माइनस एक्वस, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, इसकी बेसिसिटी हमारे पास हो गई 1, इसकी बेसिसिटी 1, दैट मीन टू से दैट इज अ मोनोबेसिक एसिड, दैट इज अ मोनोबेसिक एसिड, ठीक है ना। उसी तरह से मैं बात करूं आपको H2SO4 को वाटर में डाला, मैंने वाटर में डाला तो कितने H प्लस लिखा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस, एक्वस यानी हमारा कहने का मतलब क्या है कि एक कितने H प्लस दिया, 2, तो इसीलिए इसकी बेसिसिटी हो गई, बेसिसिटी इसकी हमारे पास हो गई 2, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे डाइबेसिक एसिड। तो चीजें आपको समझ में आना चाहिए डाइबेसिक एसिड। इसी तरह से मैं आपको बोलूं, आपको आ जाइए फॉस्फोरिक एसिड की बात कर लेते हैं, और दो तीन चीजें और, एक देखिए फॉस्फोरस के एसिड में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, देखो H3PO4, ठीक है ना, H3PO2 और H3PO3, H3PO3, H3PO2, H3PO4,
देखिए H3PO4 है, H3PO3 है और H3PO2 है। तो इसकी बातें अगर मैं करूं इस चीज में, तो इसकी बेसिसिटी आपको देख के नजर आ रहा होगा, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? तीन। इसकी बेसिसिटी आपको तीन नजर आती है, लेकिन ये होती है दो। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? दो। और इसकी बेसिसिटी होती है 1। कैसे होती है इस चीज को भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे जैसे ही आप फॉस्फोरस की कोई सीट को बनाओगे, तो पहला काम करना पी डबल बॉन्ड ओ कर देना। क्या कर दीजिएगा? पी डबल बॉन्ड ओ कर दीजिएगा। उसके बाद जितने ओ बचे, कितने ओ बचे? तीन। एक ओ तो यहाँ लग गया, बाकी जितने ओ बने उनको OH के साथ लिख दीजिए, ठीक है ना। तीन बचे और तीन को OH के साथ लिख दीजिए। तो ये कैसा हो गया? H3PO4 का साथ हो गया। इसमें आ जाइए, पहले हम लोग क्या कर दिए? पी डबल बॉन्ड ओ लिख दिए। बचा कितना ओ? दो। तो दो के साथ लिख दिया OH, ठीक है ना। दो के साथ मैंने क्या लिख दिया? OH। फिर इसके साथ OH, ठीक है ना। अब क्या हो गया? एक H बच गया, तो उसको डायरेक्टली H लिखा, ठीक है, समझना। फिर देखिए पी डबल बॉन्ड ओ, अब बच के इतना गया वो एक, तो एक के साथ लिख दिया मैंने OH, बाकी H और H, ठीक है ना। तो वही एसिड H प्लस तोड़ता है जो किसी न किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव या ऑक्सीजन के साथ लगा है। तो ये क्या होगा? यानी O के साथ लगे वाला H टूट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? तीनों टूट जाएगा इसमें, इसीलिए इसकी बेसिसिटी हो गई तीन। यानी ये क्या हो गया? ट्राई बेसिक एसिड हो गया, यानी ये ट्राई बेसिक हो गया। ये इसकी बेसिसिटी हो जाएगी दो, क्योंकि ये दो टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ऑक्सीजन के साथ लगा होता है, ऑक्सीजन के साथ लगा है, यानी इसकी बेसिसिटी यही दो टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, ये डायरेक्टली अटैच है, इसीलिए नहीं टूटेगा। समझ जाओ, ये क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि ये O के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं टूटेगा। इसकी बेसिसिटी दो हो गई, यानी ये कैसा हो गया? डाई बेसिक एसिड हो गया। किस तरह का एसिड हो गया? डाई बेसिक एसिड हो गया। और ये इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? बेसिसिटी इज इक्वल टू 1, इसीलिए इसको हम लोगों ने नाम दिया मोनो बेसिक एसिड। समझ में आना चाहिए आप लोगों को, सिंपल सा रखा हुआ हूँ। इसी तरह से एक और जान रही है हमारे, जहाँ हम कन्फ्यूज करते हैं, एक हमारे पास एसिटिक एसिड जो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो है हमारे पास HCOOH, मैं क्या ले रहा हूँ, CH3COOH, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है कितने H प्लस देगा? आपको देख के नजर आ रहा है तीन, लेकिन वो नहीं देता है। ये वाला H प्लस होता है, H प्लस वाटर में डालने पर, एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर, H प्लस एक्वस प्लस CH3COO-1। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया? एक ही H प्लस दिया, इसीलिए इसकी बेसिसिटी हो गई 1, यानी ये क्या हो गया? मोनो बेसिक एसिड। एक ऐसा एसिड हो गया मोनो बेसिक एसिड। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी होगी। मोनो बेसिक एसिड एक H प्लस देता है, डाई बेसिक दो, डाई बेसिक तीन। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीजें आपका आज का क्लास था। इसके बाद हम लोग और एफिशिएंसी के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।